والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. अल्लाह सुभान व तआला इरशाद फरमाते हैं कि मेरे खास बंदे, मकबूल और महबूब बंदे, उनकी खास अदाए बंदगी नाजिल की जाती है जिसकी वजह से बावजूद खताकारी के वो अदाए खाजगी और मेरी यारी से महरूम नहीं होते। एक अदाए बंदगी अल्लाह ताला कुरान पाक में नाजिल फरमा रहे हैं कि जिस अदाए बंदगी की बरकत से बावजूद बंदों को अपनी खताकारी के फिर भी वो हमारी यारी से महरूम नहीं होते। आगे अब उसकी तफसीर पेश कर रहा हूँ। बताओ, ये अदाए बंदगी सीखना जरूरी है या नहीं? कि खताकारी के बावजूद हम ताला की यारी से महरूम न हो, और ये अदाए बंदगी सिखाने वाला भी कौन है जिसने हमें पैदा किया? इरशाद फरमाते हैं वल्लज़ीन इज़ा फ़अलू फ़ाहिशा, जिन लोगों से हमारी मखलूक में कोई ज्यादती कर देता है, किसी को मखलूक पर जुल्म कर देता है, माँ बाप के साथ बदतमीजी हो जाती है, बीवी को बिना जरूरत मजबूरी सख्ती कर दिया, उसको रुला दिया, पड़ोसियों पर जुल्म कर लिया, अपने बड़ों से बदतमीजी कर लिया, और ज़लमु अनफुसहुम, या अल्लाह ताला के हुकूक में, हमारे हुकूक में मुजरमाना हरकत कर दी। अब कोई कहे कि भाई अल्लाह ताला ने मखलूक का हक यहाँ क्यों मुकदम फरमाया, तो बात यह है कि अल्लाह ताला हमारी अजियत रसानियों से बेनियाज है। कोई आदमी अल्लाह को तो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यहाँ तक कि अल्लाह की एक अदना मखलूक है सूरज, अगर सूरज से लड़ जाए कोई और गुस्से में उस पर थूकना शुरू करे तो सारा थूक इसी के मुंह पर आएगा। तो जब एक अपना मखलूक पर थूक वापस आ रही है तो फिर अल्लाह ताला तक किसकी रसाई होगी जो अल्लाह को नुकसान पहुंचा सके? लिहाजा अल्लाह ने अपने हुकूक को ऐसे मौके पर मुकदम नहीं किया, बंदों के हक को ज्यादा रख दिया कि बंदों के साथ हमारे बंदे असीयत पहुंचा सकते हैं। एक बंदा दूसरे बंदे को तकलीफ देने पर कादिर है, जालिम हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला पर कोई जुल्म नहीं कर सकता। लिहाजा हजरत आदम अलैहि सलाम ने सबसे पहले ये तालीम अपनी औलाद को दे दी कयामत तक के लिए कि जब तुमसे खता हो जाए तो तुम कहो रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया है, आप पर कोई जुल्म नहीं कर सकता। और यही अलामत है लायक औलाद की। बाबा आदम अलैहि सलाम की दो किस्म की औलाद है, लायक और नालायक। अब आप लोग कौन से औलाद बनना चाहते हो? लायक। तो मौलाना रूही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आ की फरजंदा ने खास आदमन, जो आदम अलैह सलाम के खास बेटे हैं। खास बेटे से क्या मुराद? लायक बेटे। कहते ना मेरा ये खास बेटा है। आ की फरजंदा ने खास आदमन, आदम अलैह सलाम के खास बेटे लायक कौन है? नफाए इन्ना जुलमना मी दमन, जिनसे जब गुनाह हो जाता है तो रब्बना ज़लमना कहकर रोना शुरू कर देते हैं। इस रब्बना ज़लमना की बरकत से उनकी दूरी अल्लाह से जो गुनाह से हुई थी, जो गुनाह से अल्लाह से दूरी हुई थी, वह इस्तिग़फ़ार की बरकत से, अश्कबार आंखों की बरकत से, नदामत के साथ तड़पते हुए दिल की बरकत से फिर इनकी दूरी हुजूरी से तब्दील कर दी जाती है। आके फर्ज़ंदा ने खास आदमन नफ़ाए इन्ना ज़लमना मी दमन, रब्बना ज़लमना की आवाज बुलंद करते हैं, क्योंकि जो बाप के तरीके पर न चले वो कैसा बेटा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कुरान पाक से साबित हो गया कि उन्होंने अपनी बिगड़ी बना ली रब्बना ज़लमना से,
तो फिर हम लोग क्यों ना अपनी बिगड़ी बना ले रब्बना जुलमना से, रो रो करके, माफी करके, इस्तिगफार करके, तौबा करके, आहोजारी करके, अश्कबारी करके, फिर दोबारा अल्लाह की यारी हासिल करो। और बाद वक्त में अश्कबारी और नदामत के आंसुओं से पहले से भी ज्यादा उसका काम बन गया। चली शोखी ने कुछ बातें सबा की, बिगड़ने में भी जुल्फुस की बना की। चली शोखी ने कुछ बातें सबा की, बिगड़ने में भी जुल्फुस की बना की। खता हो गई, शैतान ने हमारे अब्दियत की जुल्फों को बिगाड़ दिया इस सारा तौबा की मरकज से। फिर उसकी हुस्न बंदी बंदगी, उसके बंदगी का हुस्न और उस बंदे की जुल्फों का पेचो खम जो गड़बड़ कर गया था शैतान बेहया शोख ने, वो फिर दोबारा अल्लाह ताला ने उसको कबूल करके और फिर प्यार कर लिया। बिगड़ने में भी जुल्फुस की बना की। चली शोखी ने कुछ इस बेहया की, यानी शैतान बेहया की, बदमाशी न चली, उसने तो वरगला कर खपा, लेकिन अश्कबार आंखों के बाद शैतान भी हाथ मलता है कि मैंने तो गुनाह कराया कि अल्लाह से दूर हो जाए, मगर इस जालिम ने तो रो रो के अपना काम पहले से भी बढ़िया कर लिया। हम तो इसको बढ़िया बना रहे थे बंदगी के एतबार से, ये अश्कबार आंखों से और बढ़िया हो गया। इसलिए अल्लाह मालूसी सैयद महमूद बगदादी मुफ्ती बगदाद रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को अल्लाह नूर से भर दे। अल्लाह पाक सूरह नाज़िल की तफसीर में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाते हैं बज़बान नबूवत कि जब कोई बंदा अपने गुनाहों पर रोता है तो मुझको उसके नादिन बंदों के, गुनहगार बंदों के आंसुओं से और उनके आहजारी से और उनके गिड़गड़ा गिड़गड़ा कर माफी मांगने की रोने की आवाज को मैं इतना महबूब रखता हूँ कि सारे आलम की तमाम सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह की आवाजों से मुझे अपने गुनहगार बंदों का नाला ज्यादा अजीब है। यही दलील है कि अल्लाह अल्लाह है, क्योंकि दुनियावी बादशाहों का अगर इस्तकबालिया हो रहा हो और उसकी तारीफ की जा रही हो, कोई मिस्कीन आकर रोने लगे तो पुलिस वाले कान पकड़ कर उसको बाहर करते हैं, कहते हैं तुम बादशाह के रंग में भंग डालते हो, इस्तकबालिया हो रहा है, कल आना किसी वक्त में। लेकिन अल्लाह ताला ऐन अपनी इस्तकबालिया में कि सारा आलम सुभान अल्लाह से अल्लाह ताला का इस्तकबालिया पेश कर रहा है, सारी दुनिया के बंदे सजदे में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सारे आलम में आवाज आ रही है, मगर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सुभान अल्लाह की आवाजों के इस्तकबालिये से मुझे ज्यादा आजीज है कि कोई बंदा गुनहगार रो रहा हो और मैं उसकी खताओं को माफ कर दूं। लानीनुल मुज़निबीन अहब्बु इलैया मिन ज़दलिल मुसब्बिहीन, अल्फाज नबूवत के हैं और हदीस कुदसी है कि गुनहगारों का गिड़गिड़ा कर रोना मुझको ज्यादा महबूब है सुभान अल्लाह की सुभान अल्लाह इस्तकबालिया की आवाजों से। यही दलील है कि अल्लाह ताला अल्लाह है, उसको अपनी इस्तकबालिया की कोई परवाह नहीं, उसकी अजमत हमारे सुभान अल्लाह कहने से बेनियाज। सारा आलम जितने दुनिया भर के काफिर सब वली अल्लाह हो जाए, तौबा करके मुसलमान हो जाए, रात भर सजदे में रोते रहे तो अल्लाह ताला की अजमतों में एक जर्रा इजाफा नहीं हो सकता। और अगर सारी दुनिया नाफरमान हो जाए, काफिरों से भर जाए तो अल्लाह की अजमत से एक जर्रा नुकसान नहीं पहुंच सकता। अल्लाह ताला को हमारी बंदगी से फायदा नहीं पहुंचता, हमें फायदा पहुंचता है। हाँ, वारूनी का क्या प्यारा शेर याद आया, मन न गर्दम ताक तस्बीह शाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं दुनिया वालों मैं तुम्हारे सुभान अल्लाह अल्लाह पाक है अल्लाह पाक है इससे मैं पाक नहीं होता, अरे जालिमों तुम पाक हो जाते हो मेरी पाकी के बयान करने के सत्ते में। मन न गर्दम ताक तस्बीह शाह, पाक हम ईशा से वंदो दुर भेजा, जिनके मुंह से सुभान अल्लाह निकलता है इनके मुंह से हम मोती पैदा करते हैं और इनको पाक करते हैं। हम तो पाक है ही तुम्हारे पाक कहने से कि अल्लाह पाक है, हम थोड़े पाक होते हैं, जालिमों तुम पाक होते हो मेरी पाकी बयान करने के सबसे। तो अल्लाह सुभान व तआला ने हमें कुरान पाक में अपने कमाल रहमत के दरियाए नेगरा फाल गैर महदूद से ये एक नुस्खा बताया कि मेरे खास महबूब प्यारे जो हैं अगर इनसे कोई खता हो जाती है दो किस्म की, मखलूक में आपस में जुल्म कर लें या मेरे हुकूक में जुल्म कर लें, नमाजी न पढ़े तो इनमें क्या शान पैदा होगी। मकबूलियत की अलामत देखिए, अल्लाह के मकबूल बंदों की अलामत बयान हो रही है बारगाह मकबूलियत से।
कुरान पाक की आयतों से इतला दी जा रही है। वल्लज़ीन इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन ज़लमू अन्फुसहुम, जिन्होंने मखलूक पर जुल्म किया या अल्लाह ताला के हुकूक में ज़ालिमाना और कोताहियां कर दी। ज़िक्रुल्लाह, तो ये अल्लाह को याद करते हैं। मखलूक का हक मुकदम किया गया है बाज़ वक्त पर, जैसे फर्ज नमाज एक आदमी पढ़ रहा है और एक अंधा जा रहा है, कुआं सामने है, अगर ये नियत तोड़ करके नहीं बचाता तो कुएं में गिर के मर जाएगा। तो हुक्म यह है कि अरे मेरे बंदे, मेरी नमाज छोड़ दे, तेरी नमाज से मैं बेनियाज हूँ, मगर मेरे बंदे की जान बचा ले। नमाज की तलाशी तो बाद में तू कर ले, कजा कर ले, दोबारा पढ़ ले, नमाज तो दोबारा पढ़ ले, अगर वो मर गया तो क्या होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाए और फहम सलीम अता फरमाए। बहुत से लोगों को देखता हूँ, सुभान अल्लाह, तस्बीहात में इतना दर्द दिल से रोते हैं दुआओं में, मगर जब अल्लाह की मखलूक का मामला आता है तो कसाई की तरह गुफ्तगू करते हैं। जिस कदर कसावत कल्ब सख्त दिली से जवाब तलख देते हैं कि तजुम होता है कि ये सब क्या अल्लाह का पर फिदा हुआ। अल्लाह पर फिदा होना उसी का कबूल है जो अल्लाह के बंदों पर भी फिदा होता हो। ये कैसी फिदाकारी कि अब्बा की दोस्ती और अब्बा की औलाद पर जुल्म, रब्बा से दोस्ती और रब्बा के बंदों पर ज़ालिमाना रवैया, अपने गज़ब का इंतकाम लेने के लिए तितैया की तरह भीड़ की तरह भिड़े हुए हैं, भीड़ की तरह भिड़े हुए हैं उसको। तितैया कहते हैं, तितैया पीली पीली होती है, वो वैसे ही बाकी लोगों का मिजाज है। डॉक्टर अब्दुल्हई साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आरामबाग की मस्जिद में मैंने असर पढ़ी, किसी जरूरत से गए थे तो एक नौजवान रो रो के दुआएं मांग रहा था। मेरे दिल में ख्याल आया कि ये तो बड़ा वली अल्लाह मालूम होता है, जवानी में अल्लाह पर फिदा हो रहा है। मैंने सोचा अभी इससे मैं भी दुआ करा लूं। इतने में एक बड़े मियां जिनको कम नजर आता था, वो गुजरते हुए उनके जरा सा लग गया नौजवान साहब से, उन्होंने दुआ आहुजारी छोड़कर कहा, अबे वो अंधे नजर नहीं आता, देखा आपने। ऐसे ही शैतान होते हैं बाज़ लोग कि उनकी आहुजारी देखें तो आप समझ लें कि बायज़ीद बुस्तानी से कम नहीं चल, लेकिन अल्लाह की मखलूक को माफ करना और वहाँ शफ़क़त और प्यार करना, वहाँ हलीमुल तबार रक़ीक़ुल क़ल्ब और रहीमुल मिज़ाज बनना इनको नसीब नहीं। ज़माना गुजर गया समझाते समझाते, लेकिन ये भी शुक्र है, गनीमत है कि अगर बाद में वो माफ़ी मांग ले। हकीम उम्मत को एक शख्स ने लिखा कि जब मुझे गुस्सा करता है तो जितनी आयतें कुरान पाक में गुस्से की बुराई में और हदीस पाक में गुस्से की बुराई में है कुछ याद नहीं रहता, जबकि मैं खुद हदीस बहाता हूँ। हदीस पाक क्या इलाज है? फरमाया इसका इलाज ये है कि जब गुस्सा उतर जाए तो तुम उसके पैर पकड़कर माफी मांग लो और कुछ हदिया भी दे दो उसको। उन्होंने दो तीन महीना फिर लिखा कि गुस्सा कम नहीं हो रहा, पैर पकड़ता हूँ फिर गुस्सा भी करता हूँ। कहा अच्छा वैसा करो कि जिस पर गुस्सा आए उसकी चप्पल को या जूते को वो हिस्सा जो ऊपर होता है उसको सर पर रख के 10 मिनट दवाएं सेंक इस्तेमाल करो, मगज में सेंक को सेंको जिस पर गुस्सा आया। उन्होंने लिखा कि ये इलाज मेरे लिए खेत का काम दे गया, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इनका जूता अपने सर पर रखूं, इससे बेहतर मैं गुस्से से तौबा करता हूँ। दूसरा इलाज, लखनऊ में हजरत सूफी बुजुर्ग अनुवाद बुक डिपो के मालिक, क्या नाम था उनका, मौलाना मोहम्मद हसन काकोरी, वो बिल्कुल ठंडे मीठे आदमी, कभी गुस्सा जानते ही नहीं। तो लखनऊ में एक शख्स को गुस्सा का मरज था, हजरत ने लिखा कि तुम उनकी दुकान पर जाके बैठा करो और 10 मिनट 20 मिनट बैठ के चले आया करो और कुछ बात मत करना। 3-4 महीने वो जाते रहे, उनका गुस्सा कम होता रहा, यहाँ तक कि बिल्कुल मोतदिल हो गए। हजरत को लिखा कि हजरत उन्होंने तो गुस्से पर कोई तकरीर नहीं की, न कभी हमें कुछ समझाया कि मेरा गुस्सा कैसे कम हो गया। फरमाया कि मौलाना हजरत मौलाना सूफी मोहम्मद हसन काकोरी के मिजाज पर शान रहमत शान हिल शान करम गालिब है, उनके दिल में जो है वो करम और शान रहमत वो तुम्हारे दिल में मुंतकिल हो गया। सोहबत का ये असर होता है, देसी आम पर कोई तकरीर लंगड़ा नहीं करता, लेकिन कलम खाने के बाद लंगड़े आम की लज्जत खुशबू सब देसी आम में आ जाती। ऐसी अल्लाह उन अल्लाह वालों के पास बैठो
जिनके मिजाज पर शान रहमत शान शफकत शान करम का अलावा हो, इंशाल्लाह चंद दिन के बाद आपका गुस्सा ठीक हो जाए। तो अल्लाह सुबहान तआला इरशाद फरमाते हैं वल्लज़ीन इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन अव ज़लमू अन्फुसहुम, इसके माने ये है कि खता होना बुरा नहीं है, खता तो बुरी चीज है, लेकिन अगर खता के बाद तौबा नसीब हो जाए तो वही खता खैर बन जाए। खैर वो खता है तवाबू, सरवर आलम फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा कर लेते हैं, खैर वो खताई है। भाई शराब में आपने सिरका डालकर शराब की शराबियत खत्म कर दी, अब आबे शर खत्म हुआ, आबे खैर हो गया वो शराब। शराब के माने आबे शर, जब आपने सिरका डाल दिया और उसका नशा खत्म हो गया, अब वो आबे शर जो है आबे खैर हो गया। ऐसी तौबा की केमिकल डालने के बाद तौबा इस्तिग़फ़ार और आंसुओं की, गुनहगारों की नदामत के आंसुओं की केमिकल से हुज़ूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम्हारी खताएं सिर्फ माफ नहीं होती बल्कि तुम बेहतरीन खताकार हो जाओगे। खैर खताइन तवाब, तो अल्लाह ताला ने दो अलामत बयान फरमाई कि मेरे प्यार की अलामत सुन लो कि कौन मेरे प्यारे हैं कौन प्यारे नहीं है। प्यारे वो है जिनको तौफीक हो जाए कि वो मुझे खताओं के हालत में या खताओं के बाद ज़िक्रुल्लाह वो अल्लाह को याद करते, चाहे बंदों का हक मारा हो या अल्लाह के हक में नालायकी हुई हो, नमाज रोज़ा छोड़ दिया हो, तो ज़िक्रुल्लाह अल्लाह ताला को याद करते हैं। ज़िक्रुल्लाह की पांच तफसीर की अल्लामा अलूसी सैयद महमूद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कि ज़िक्रुल्लाह के माने क्या, ये थोड़ी फिरके ज़िक्रिया की तरह से बलूचिस्तान में नमाज हो रही है अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं और नमाज नमाज से नहीं पढ़ रहे, औरतों को देख रहे हैं कहें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला हौला और देखे जा रहे हैं, ये जिक्र के माने क्या। अगर जिक्र का तफसीर न सुनिएगा तो आपको समझ में बात नहीं आएगी कि फुतूर खता के बाद अल्लाह की अता लेने के लिए जिक्र का क्या मियार है, किस तरह याद किया जाए। पांच तफसीर है इसकी, तब समझ लो जिक्र मकबूल है, तब समझ लो जिक्र मकबूल है। नंबर एक, ज़िक्र अज़मतहू व वईदहू, अल्लाह की बड़ाई को याद करते हैं और उसकी वईद को जहन्नम को और सजाओं को याद करते हैं कि कहीं खुदू फगुल्लू का ऐलान ना हो जाए, पकड़ो इस सभी इसको डालो जहन्नम। ज़िक्र अज़मतहू व वईदहू, अल्लाह की अजमत को बड़ाई को याद करते हैं कि कितने बड़े मालिक की मैंने नाफरमानी की, अपने एक कमजोर नफ्स के कहने से, एक लोमड़ी के कहने से शेर को गुस्से में दिला रहे हैं, बंदरों के कहने से शेर को गजबनाक कर रहे हैं। छोटी ताकत वाला जब बड़ी ताकत वाले को नाराज करता है तो सारी दुनिया इंटरनेशनल बेवकूफ करार देती है। जो जालिम भी अल्लाह की नाराजगी से हराम लज्जत को इंपोर्ट कर रहा है इंटरनेशनल बेवकूफ है, मगर ये ऐसा बेवकूफ है कि इसकी हिमाकत जहल मुरतब की तरह से है कि अपने को बेवकूफ तस्लीम नहीं करता। जाहिल की दो किस्में, जिसको एहसास हो कि मैं जाहिल हूं ये जहल नसीब है, और जो जाहिल ये कहे कि मैं जाहिल नहीं हूं तो ये जहल मरकब है। जैसे अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन को फरमाया कि सहाबा को बुरा कहने वालों अला इन्नहुम मुसफा, तुम सहाबा को बेवकूफ कहते हो, अला इन्नहुम मुसफा, मेरे सहाबा को जो कहते हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को वफादारों को जान रेखा और खून शहादत नोश करने वालों को जान माल आबरू फिदा करने वालों को जो बेवकूफ कह रहे हैं मुनाफिकीन, अला इन्नहुम हुमुस्सफा, असली बेवकूफ यही है हुमुस्सफा। दोबारा हुम नाजिल कर फरमाया जिसकी वजह से अल्लाह ने दोबारा जुमला इस्मिया बनाया ताकि इनका इस्तकलाल बेवकूफी में इनकी इस्तकलाल का सबूत हो जाए। वलाकिल्ला यालमून, लेकिन ये अपनी सफाहत और हिमाकत को जानते नहीं है। इसलिए अल्लामा महमूद नसफी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर खाज़े में लिखा है कि इनकी ये जहालत मुरक्कबा थी बसीता नहीं थी, जहल बसीत नहीं था जहल मुरक्कब था, यानी हिमाकत और सफाहत को अपने एहसास नहीं था इनको कि मैं बेवकूफ बल्ले लफ्जे का हूँ। बाद लोग ऐसे ही बेवकूफ होते हैं। तो नंबर तफसीर नंबर एक क्या है, ज़िक्रु अज़मतहू वईदहू, अल्लाह की अजमत को याद करते हैं और उसके वईद को और उसकी सजाओं को याद करते हैं कि क़यामत के दिन अगर अल्लाह ताला ने सजा दे दी तो क्या होगा, कौन छुड़ाएगा वहां, आपका नफ्स छुड़ाएगा, लवांडीन छुड़ाएंगे, लौंडियां और टेडियां छुड़ाएंगे,
कहां जाते हो गधों की तरह हिमाकत करते हो। नंबर दो तफसीर, ज़खरुल अर्ज अलैहि ताला शानहु, अल्लाह को याद करते हैं किस तरह से, अपनी पेशी को याद करते हैं। ज़खरुल अर्ज अलैहि ताला शानहु, अल्लाह ताला के सामने कयामत के दिन पेश होने को याद करते हैं कि क्या मुंह दिखाऊंगा और क्या जवाब दूंगा। अगर अल्लाह पूछ ले कि जालिम मैंने तुझे जिंदगी दी थी किस लिए दी थी। नंबर तीन तफसीर, ज़कर सवाल लहू बेजमदही और क्यामा, वो अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह के सवाल को याद करते हैं। ज़कर सवाल अल्लाह ताला शानू यौमल क्यामा, अल्लाह के सवाल को याद करते हैं कि जब अल्लाह पूछेगा कि बहुत टेढ़ियों को देखते थे, नमकीन लौंडों को, खबीज कहीं का नाला है मरदूत, पकड़ो इस खबीज को डालने में डालो, ये आंखें मैंने तुमको इसलिए दी थी, मातरसार अंधा पैदा करता तो खबीज कहां से देखता था। एक पुलिस के डंडे की तरफ से तो नहीं देखता था, और अगर बेटा या बेटी का बाप मौजूद होता है तो भी मारे डर के नहीं देखता था, शेख साथ होता था तो भी शेख को देखता था किधर देख रहा है, मगर मेरा तुझको खौफ नहीं आता था। हराम नमक चखने वाला नमक खाता था मेरा, और नमक हरामी भी करता था। ज़करू सवाल हो बेदम रही उम्र क्यामा, अल्लाह के सवाल को याद करते हैं कि क्यामत के दिन अगर अल्लाह आप पूछेगा क्या जवाब दूंगा। तीन बातें हो गई, तीन तफसीर, और चौथी तफसीर क्या है, ज़खरू जलालहू महादू, अल्लाह के जलाल और अजमत शान को सोच करके डर जाते हैं कि हाँ इतने बड़े मालिक, इतने बड़े ताकत वाले मालिक को हम नाराज करके क्या कर रहे हैं, अगर उसने इंतकाम से हमें सूअर कुत्ता बना दिया या गुर्दे बेकार कर दिए या ब्लड कैंसर पैदा कर दिया, हार्ट अटैक हो गया तो क्या होगा। और जो अल्लाह जो शरीफ बंदे हैं उनके लिए तो यही बात काफी है कि अल्लाह ताला हमसे नाराज हो जाएंगे, शरीफ बंदों के लिए ये काफी। इसलिए मेरा इस महीने का ताजा शेर है, नहीं नाखुश करेंगे रब को ऐ दिल तेरे कहने से, ये बिल्कुल ताजा शेर है। जब कभी गुनाह का तकाजा हो मेरा शेर पढ़ लो, नहीं नाखुश करेंगे रब को ऐ दिल तेरे कहने से, नहीं नाखुश करेंगे रब को ऐ दिल तेरे कहने से, अगर ये जान जाती है खुशी से जान दे देंगे, गुनाह न करने के तकाजे से अगर जान भी चली जाए तो खुशी से जान दे देंगे, और चुपके से इंशाल्लाह भी कह देंगे बरकत के लिए। हाँ, सादी शिराजी ने क्या नसीहत की कि देखो उधार गोश्त मत खाया करो, गोश्त की तमन्ना में अगर मर जाओ, मरना कबूल कर लो, मगर कसाईयों से उधार गोश्त मत खाओ, फारसी शेर है देखो, बतमन्नाए गोश्त मुर्दन बे, बतमन्नाए गोश्त मुर्दन बे, गोश्त की तमन्ना में मरना बेहतर है। जे तकाजाए जिस्त कसाबा, कसाईयों के बुरे तकाजों से, एक लाठी लेकर कमर की तरफ टेक लगाकर खड़ा होगा सीना तान कर, ओ सूफी साहब, हाजी साहब, मौलाना साहब, ऐसा नहीं दिया अभी तक आपने वादा किया था, उधार गोश्त खाने में तो बड़ा मजा लूटा था, पैसे निकालो वरना बेसमर लो। तुम सादी शिराजी आज से 800-900 वर्ष पहले नसीहत कर रहे हैं, तो ऐसी गुनाहों की तमन्ना में मर जाओ, लेकिन जिल्लत और खारी अल्लाह के गज़ब से बचो। नहीं नाखुश करेंगे रब को ऐ दिल तेरे कहने से, अगर ये जान जाती है खुशी से जान दे देंगे। ये बताओ गुनाह से बचने के गम में जान चली जाए तो ये जान कैसी है भाई, मुबारक है या नहीं। और अगर गुनाह की हालत में मार दिया गया, वारिसीन ने उसको कत्ल कर दिया, तो ये जान कैसी है। बोलिए, गुनाह की हालत में मौत बेहतर है या गुनाह से बचने के गम से मौत बेहतर है। जरा मर के तो देखो, अल्लाह के नाम पर जीना तो बहुत लोग जानते हैं, अल्लाह के नाम पर मरना सीखो, ये इसका नूर कवि होता है, मरने का नूर कवि होता है जीने के नूर से, क्योंकि जीने के माने इबादत करना है, और मरने के माने अपनी बुरी आरजू को काट काट दो और अल्लाह को नाराज न करो। बताइए, एक 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 हजार तहज्जुद का नूर रख दो एक तराजू पर, और एक दफा किसी औरत या लड़के से नजर बचा के उसका नूर देखो कि अंश किसका कवि होता है। लोग चाहते हैं एक तार से रोशनी घर में आ जाए, मुस्बत तार हो प्लस और माइनस ना हो, ऐसे हो सकता है, दोनों तार लगाओ, ला इलाहा का भी, इल्लल्लाह का भी,
और माइनस का तार मुकदम किया अल्लाह ने, मनफी तार को अल्लाह ताला ने कलमे में मुकदम किया। जैसे कोई कहे ऊद लगाना मगर पहले कपड़े धो लेना, पसीना की बदबू न हो। अल्लाह ने इल्लल्लाह का ऊद लगाया मगर फरमाया पहले गैरुल्लाह से कलम को पाक करो। ये मरने वाली लाशें कुछ काम नहीं आएंगी। जिंदगी ही में जो जो सूरतें बिगड़ने वाली हैं, जिनको मरना है, सड़ना है, गलना है, वो अपनी इब्तदाए जवानी में ही उसके असरात रखते हैं। जैसे कोई इमली का दरख्त हो, इमली का, लेकिन अभी एक फुट का पौधा है, उसको चखोगे तो इमली की कुछ खटास जरूर होगी। तो मरने वाली सड़ने वाली लाशें जो हैं, इनके अंदर इब्तदाई से मरने और सड़ने की और बेचैनियों के और उसके तमाम वो असरात मौजूद होते हैं। बिगड़ने वाली शक्लों के, जब बिगड़ी शक्ल नहीं होती उस वक्त भी उसके असरात होते हैं, क्योंकि आइंदा बिगड़ने वाले हैं। बोलो खबरों में बिगड़ जाएंगे यार, अरे बुढ़ापी ही में बिगड़ जाती है शक्ल, तो जवानी में भी उसके असरात होते हैं, मगर आम हमका को नजर नहीं आते, अहलुल्लाह को और उनके गुलामों को नजर आते। ये वो पर लकवा गिरने वाला, इससे तकवा मत खराब करो, मेरे इस फतवा का ख्याल रखना। चेहरे का शेप बिगड़ने वाला, पहचान भी न सकू, उस वक्त जब कोई भागता है तो मुझे इतना गुस्सा आता, जब शक्ल बिगड़ गई तो मैंने भागते देखा ऐसे लोगों को, शक्ल बिगड़ी तो भाग निकले दोस्त, शक्ल बिगड़ी तो भाग निकले दोस्त, जिनको कभी गजल सुनाए, मगर उस वक्त भागने वाला एकदम गधा होता है, क्योंकि अपनी तबीयत से भागा, अल्लाह से कहा, अल्लाह के खौफ से कहां भागा। अल्लाह के खौफ वाले औलिया अल्लाह वो है जो ऐन शबाब हुस्न की हालत में भी अपने नफ्स को रोकते हैं और गम उठाते हैं और एहतियात करते हैं। ये फिरार लिल्लाह है, वो फिरार लितबा है, अल्लाह की तबीयत लिए नहीं है, वो तबीयत की नापसंदीदगी से भागते हो। फिरार लिल्लाही और करार बिल्लाही ये है कि ऐन आलत शबाब में उसे नजर बचाओ और अपने आंख को भी बचाओ और दिल को भी बचाओ और जिस्म को भी बचाओ। आयनन कलबन और कालिबन, तीन लफ्ज, आयनन कलबन और कालिबन, कालिमा ने जिस्म। फिर देखो अल्लाह तुम्हें क्या देता है, वल्लाह कसम खाकर कहता हूँ कि अपने खबासतों पर नादिम हो जाओगी कि मैंने जिंदगी अब तक कहाँ जाया किया, क्या खबर थी कि अल्लाह ताला इस खूबहा के बदले में खूब मिलते हैं। लैलाओं से बचने में मौला मिलता जो सारे आलम की लैलाओं को नमक देता है। चार तफसीर हो गई थी, पांचवी तफसीर क्या है, चौथी क्या थी, कि ये जकरु जलालहु फहाबु, अल्लाह के जलाल को सोचकर डर जाते हैं, जिसमें मैं लर्जा तारी हो जाती। हमारे शेख ने फरमाया था, क्या कहूँ इस किस्से को जब बयान करता हूँ, अल प्यारों के वाकयात हैं, खबीसों के वाकयात नहीं है। हजरत ने फरमाया कि एक अल्लाह का वली जा रहा था, उसने देखा कि कोई किसी औरत से जिना कर रहा है, लौट आए, इतना गम हुआ कि दो तीन घंटे के बाद चादर ओढ़ के रोते रहे और जब पेशाब किया तो पेशाब में खून आ गया, गुनाह दूसरे ने किया, गम इनको आया कि मेरे अल्लाह की रूह जमीन पर कैसी नाफरमानी हो रही। ये है अल्लाह वाले, आज इतना गम तो खुद बदमाशों को नहीं है, खबीस अमाल के बाद भी इतना गम नसीब नहीं है, मगर अल्लाह वालों के निशानी को समझो। ज़करु जलालहु फहाबु, चौथी तफसीर है कि अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह के जलाल और अजमत को डर जाते हैं। पांचवी तफसीर क्या है, ज़करु जमालहु फहाबु, अल्लाह के जमाल को सोचते हैं, सारी लैलाओं को हुस्न अल्लाह देता है। मनी और हैज के मटीरियल पर क्या शक्ल बनाकर है, देहद नुतफा रा सूरत चू परी, नुतफे नापाक को परी जैसी शक्ल देता है। तो जो अल्लाह सारे हसीनों को नमक देता है, ज़करु जमालहु फस्तायु, शर्मा जाते हैं कि मैं अपने अल्लाह से ऐसे अल्लाह ऐसा प्यारा अल्लाह को कैसे मैंने छोड़कर दूसरी तरफ नजर कर लिया, शर्माते हैं, हया आती, मगर हया आने के बाद इतनी हया भी ना आए कि फिर तौबा भी नसीब ना हो, तौबा करते शर्मा जाओ, ऐसी हया जायज नहीं। हया वो है कि जो गुनाह करने से बचा ले और तौबा करने से जो रोके वो हया नहीं, शैतानी कैफियत है। मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह का शेर है, हया आती है तेरे सामने मैं किस तरह आऊं, हया आती है तेरे सामने मैं किस तरह आऊं, ना आऊं तो दिले मुस्तर को लेकर फिर कहां जाऊं। अल्लाह अगर तेरे पास रोने के लिए और तौबा करने के लिए नहीं आऊंगा तो कौन सा ठिकाना है।
सेवा नेकारों के, न पूछे अगर तू सेवा नेकारों के, सेवा नेकारों के, सेवा नेकारों की अगर तू किसी को न पूछे कहाँ जाए बंदा गुनहगार तेरा। लेकिन इस जिक्र की कबूलियत की एक अलामत और है, ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिही, तो अपने गुनाहों से माफी मांगते हैं। यानी कि बस अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, सुभान अल्लाह जिक्र हो रहा है, इस्तिग़फ़ार की तौफीक होती है, अल्लाह से माफी मांगते हैं अपने गुनाहों से, और इस अकीदे से माफी मांगते हैं वो मैं यकफ़िरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा मेरी इन खताओं को कोई इकरार नहीं करते, इस्तिग़फ़ार की तौफीक होती है, अल्लाह से माफी मांगते हैं अपने गुनाहों की, और इस अकीदे से माफी मांगते हैं वो मैं यकफ़िरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा मेरी इन खताओं को कोई माफ नहीं कर सकता। ये अकीदा की तालीम भी इस्तिग़फ़ार के आदाब में से, जिसको मग़फ़िरत की देना है, जिनको इस्तिग़फ़ार कबूल फरमाना है, वो हमें आदाब इस्तिग़फ़ार सिखा रहे हैं कि जब हमसे माफी मांगा करो तो इस अकीदे और यकीन के साथ माफी मांगो कि ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, और हमें अल्लाह के अलावा कौन माफी दे सकता है। ये अकीदा हो कि सिवाय अल्लाह के दरवाजे के और हमें कोई माफ करने वाला नहीं। वमन यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यालमून, और ये गुनाहों पर इसरार नहीं करते क्योंकि जानते हैं कि गुनाह से हम अल्लाह से दूर हो जाएंगे। वहुम यालमून क्या मतलब, क्या कोई नहीं जानता कि मैं गुनाह कर रहा हूं? लिहाजा इसकी तफसीर ये है, अल्लाह वालूसी फरमाते हैं कि यह हाल मारज़े तालील में आया हुआ है। फ़इन्नल हाल क़द यजीउ फ़ी मारज़े तालील, क्या मतलब कि इस्तिग़फ़ार की इल्लत यह है, अदम इसरार की इल्लत यह है कि वो अपने गुनाहों के अजाब और उसकी बुराई को समझते हैं। वहुम यालमून क़ुबह फ़ेलिहिम, वो अपने फेल की बुराई नाफरमानी का अंजाम समझते हैं कि इसका अंजाम अच्छा नहीं, अगर खात्मा खराब हो गया तो क्या होगा, हालत गुनाह में मौत आ गई तो क्या होगा। लिहाजा इसरार नहीं करते बार बार क्योंकि वो अपने गुनाहों के अंजाम और बुराई को समझते हैं। और यहाँ इसरार की दो किस्में हैं, इसरार के मारे कहते हैं भाई आप बार बार इसरार कर रहे हैं, जैसे कह दिया कि मेरे पास आजकल पैसा नहीं है, तुम बार बार इसरार करते हो, मांग रहे हो, एक इसरार के ये माने। यहाँ वो माने नहीं कि एक दो तीन दफे खता हो गई तो अब मायूस हो जाओ, अल्लाह वालों से फरमाते हैं इसरार लघवी या मुराद नहीं, इसरार शरई मुराद है कि इसरार शरई नहीं करते हमारे बंदे। क्या मतलब इसरार शरई, अल इकामतु अलल खतीह बेदून इस्तिग़फ़ार व तौबा, किसी बुराई पर कायम नहीं रहते बगैर इस्तिग़फ़ार व तौबा के, और जो इस्तिग़फ़ार व तौबा कर ले उसकी तो खता गायब हो गई। अब उसने दोबारा कमर बांध लिया कि अल्लाह अब आपको नाराज नहीं करेंगे। लिहाजा इसरार करने वाले वो लोग हैं जो बगैर इस्तिग़फ़ार व तौबा गुनाहों पर कायम रहते हैं, और जो रो रो के अल्लाह से माफी मांग ले वो इसरार करने वालों में नहीं है। इसलिए इसरार शरई की तारीख अल्लामा मालूसी रहमतुल्लाह अलैह ने की, अल मुरादो बिल इसरार शरई अल इकामतु अलल क़बीह बिदून इस्तिग़फ़ार व तौबा, गुनाहों पर कायम रहना बगैर इस्तिग़फ़ार व तौबा के। न चित कर सके नफ्स के पहलवा को, तो यूं हाथ पांव भी ढीले न डाले, अरे इससे कुश्ती तो है उम्र भर की, कभी वो दबा ले कभी तू दबा ले, लड़ते रहो लड़ते रहो, एक दिन अल्लाह ताला जिता देंगे। हकीम उल उम्मत फरमाते हैं जो लोग अपने नफ्स से जंग कर रहे हैं, कभी नफ्स को पटख देते हैं और नफ्स की बात नहीं मानते, नजर बचा लेते हैं, और कभी नफ्स उनको पटख देता है और नजर मार देते हैं, तो फरमाया कोशिश करते रहो, मायूस न रहो, जिंदगी भर की कुश्ती लड़ते रहो नफ्स से। नचित कर सके नफ्स के पहलवा को, तो यूं हाथ पांव भी ढीले न डाले, अरे इससे कुश्ती तो है उम्र भर की, कभी वो दबा ले कभी तू दबा ले, और तबीयत की रोज जोर पर है तो रुक नहीं तो ये सर से गुजर जाए, जरा देर को तू हटा ले ख्याल ये नदी चढ़ी है उतर जाए। मैंने कहा जब गुनाहों के ख्यालात का गलबा हो अकेले मत रहो, फौरन भागो नेक दोस्तों में चाय पीने चू कर दो, वो नेक दोस्तों के पास जाओ जो खुश किस्म के ना हो, वरना वहां से भी नफ्स भगा देगा, यहां तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे दोस्तों से मिलो जो तुम्हें एक प्याली चाय कीनिया वाली पिला दें, जैसे मीर साहब, मगर इकट्ठे बहुत से लोग ना आना उनके पास, वरना इनकी पत्ती ही खत्म हो जाएगी। दीनी दोस्तों में मिल जाओ, हंसो बोलो, इंशाल्लाह इसका देखना तजर्बा
अकेले मत रहो, क्योंकि सैलाब आ रहा है, अकेले मुकाबला नहीं कर सकते। जब कई मोमिन मुसलमान बैठ जाएंगे तो उस सैलाब का रुख मोड़ देंगे, क्योंकि हर मोमिन के साथ अल्लाह है, निस्बत मां अल्लाह है। तो जब कई मोमिन बैठ गए तो अल्लाह ताला की ताकत हिदायत की ज्यादा हो गई। मेरे शेख साहब अब्दुल्गनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि एक औरत ने एक औरत से पूछा, बहन रे बहन, फौज किसे कहेंगे? उसने कहा, अरे तू फौज नहीं समझती? अरे मेरा मर्द हुआ, तेरा मर्द हुआ, उसका मर्द हुआ, उसका मर्द हुआ, सबके शौहर मिल गए, फौज तैयार हो गई। तो जब कई मुसलमान बैठ जाएंगे नेक बंदे, इंशाल्लाह आप देखेंगे उसी वक्त कि अल्लाह की रहमत नाजिल हो जाएगी और ताकत आ जाएगी। बस अब अजान होगी और अजान के बाद कुछ लोगों ने दुआ के लिए लिखा है, इनकी बेटी सख्त अलील है, ताऊ रहमान, अल्लाह उनकी बेटी को सेहत दे। अल्लाह ताला इनको भी सेहत दे, हम सबको तमाम बीमारियों में अल्लाह शिफा दे, हम सबको भी, हमारे घर वालों को। اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي واهلي من الماء البارد. حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق الہی اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بھی وہی معتبر ہے جو سنت کے راستے سے حاصل ہو۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر طبلہ سارنگی اور گانے بجانے سے تڑپ پیدا ہو اور روح میں عشق الہی پیدا ہو تو یہ عشق الہی آپ اعلان فرما دیں گے، فتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں پیار کرے گا، جس کا ترجمہ حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرا دیا کہ میری چال چلو، میری چلن چلو، ہمارا پیارا نبی ایسا پیارا ہے کہ اسی چلن پر جو چلتے ہیں ان کو بھی، ان پر بھی ہم کو پیار آتا ہے، ہم ان کو بھی اپنا پیارا بنا لیتے ہیں۔ آپ دنیاوی دیکھیے، دنیاوی محبت میں کسی کا ایک بیٹا ہو اور اسی بیٹے کی چال کی طرح کوئی دوسرے محلے کا لڑکا چل رہا ہو تو بابا کہتا ہے دیکھو آج یہ میرے بیٹے کی طرح چل رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیارے ہیں کہ ان کی چلن جو بھی چلتا ہے اللہ کے ہاں محبوب ہو جاتا ہے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کا یہ حال ہے کہ آپ کے سنت کے طریقوں پر صحابہ نے جیسے آپ کی محبت کیا، صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر جو اللہ جن سے راضی ہو گیا، اللہ تو اپنے نبی سے راضی ہے مگر صحابہ کے لیے بھی فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا اور صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے، تو ان کا راستہ کتنا مستند ہے۔ شاعر کہتا ہے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تب منزل صرف دیوانے گئے۔ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے۔ یہ ہے صحابہ اس راستے سے گزرے ہیں۔ بتاؤ کوئی سی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس اور بین بازے کے ساتھ گانا بجانا یہ سب کیا؟ آہ نکلتی ہے آج ان نالائقوں پر، جاہلوں پر، اور عقل میں ذرا بھی نور نہیں، نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں، نمازوں کا وقت آ رہا ہے اور پیر صاحب بھی گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور طبلے سرنگیوں کی آوازیں چل رہی ہیں اور دھن پر، بے نبادے کی دھن پر نعت شریف ہو رہی ہے۔ آپ بتاؤ یہ کون سا عشق ہے بھائی؟ کیا صحابہ نے ایسا کیا کبھی؟ نماز فرض کی فکر نہیں، اور یہ کیا ہے؟ یہ محض ایک تماشا ہے، کھیل کود ہے، اس کو سنت کے راستے سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر یہ عبادت ہوتی تو صحابہ اس کو ضرور اختیار کرتے، جو جان دے سکتے ہیں، شہید ہو سکتے ہیں، وہ یہ بین بادہ جلوس نہیں نکال سکتے۔ بتاؤ جان دینا زیادہ آسان مشکل ہے یا یہ سب کام؟ لیکن آج افسوس ہے کوئی پوچھتا بھی نہیں کہ کیا طریقہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سب سے اعلیٰ طریقہ یہی ہے کہ جن لوگوں نے داڑھیاں نہیں رکھی ہوں ربیع الاول میں داڑھیاں رکھنے، کہ جس کے لیے حضور پیدا ہوئے تھے اعمال کی اصلاح کے لیے
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की मर्जी पर चलाने के लिए, हमारे नफ्स नालायक को मिटाने के लिए पैदा हुए थे। तो अगर इस मुबारक महीने में मोहब्बत का हक अदा करना है तो जिन्होंने दाढ़ियां नहीं रखी हों दाढ़ियां रख लें, जिनके पैजामे टखने से नीचे हैं। बुखारी शरीफ की हदीस का ऐलान, मा असफला मिनल काबैन मिनल इज़ार फिन्नार, जिनका टखना छुपा है जहन्नम में जलेगा। आज टखने ऊंचे कर लो, पांचों वक्त की नमाज का इरादा कर लो, बीवियों को अगर पिटाई कर रहे हो उससे तौबा कर लो, जितने जुल्म हैं इगवा तावान बराए तावान कत्ल खून इन चीजों से तौबा कर लो, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को कितनी खुशी होगी। मगर बराए इस्लाह अमल के आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ये हक समझा जा रहा है कि बीन बाजे लाए जा रहे हैं और क्या 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 तमाशे हो रहे हैं ये, और नमाज का कोई फिक्र नहीं। क्या बात, यहां तक कि मेरे इल्म में तौसीख से आई है कि शराब पी करके कव्वाली पढ़ी गई रात भर और ईशा की नमाज नहीं पढ़ी, और मेरा घर उसी के पास में था एक जमाने में, किसी ने ईशा नहीं पढ़ी रात भर कव्वाली की शराब पी करके। ये जो सर हिलाते हैं बार बार रात भर, ऐसे थोड़ी हिलता है, इतनी ताकत कहां से आती है भाई, जिसको है जिसको विस्को। अफसोस की बात है या नहीं बताओ, इस्लाम इसका नाम है। इस्लाम वही है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाया, इस्लाम वही है जो हजरत साहबा ने किया है। हजरत साहबा के तरीके में देखो, जिस चीज को सहाबी ने समझा हो वही हदीस का मफहूम मोतबर है। अगर साहबा ने उस हदीस से मफहूम नहीं समझा और इस पर अमल नहीं किया तो आज का कोई मुल्ला ये कह दे कि मैंने समझाया गलत समझता है। आप से मैं पूछता हूँ, हजरत साहबा से बढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को कोई समझने वाला है आजकल? देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आई कि आज फलानी खबर में अजाब हो रहा है, आप कोई साफ हरी टहनी गाड़ दें तो इनका अजाब में तख्सीस कर दी जाए। आपने दो साफ गाड़ दिए, वही इलाही से खास उन दोनों खबरों के लिए। उसके बाद साहबा ने इसको सुन्नत नहीं करार दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने और हजरत उमर फारूक ने, हजरत सैयदना उस्मान, हजरत अली तमाम रजी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन ने, किसी सहाबी ने किसी सहाबी की कब्र पर फिर ये साफ नहीं गाड़ी कि हमारे नबी ने गाड़ा था हम भी गाड़े। साहबा ने क्या समझा कि वही इलाही से जिनकी खबरों के लिए है ये हुक्म खास है, सबके लिए नहीं। लिहाजा साहबा से बढ़कर जो समझ कर, मैं रियूनियन फ्रांस में एक शख्स की वालदा का इंतकाल हुआ, वहां के बाद लोगों ने शाखे मैंने उखड़वा के फेंक दिया। मैंने कहा हजरत साहबा ने जब नहीं किया तो क्या साहबा से ज्यादा तुम समझते हो मौलवियों? लिहाजा समझ लो हदीस का मफहूम वही मोतबर है जो हजरत साहबा ने समझा, उनसे ज्यादा हमें अक्ल और फहम जिनकी तारीफ खुदा ने की हो, जिनसे अल्लाह राजी हुआ हो, तो फिर उनके काम कैसे होंगे सोचो। जो बात जो काम कीजिए, खुशी में गमी में खतना में अकीका में शादी में ब्याह में मैयत मर्द मरने वालों के साथ, हमेशा उलमा से पूछो कि हजरत साहबा ने क्या अमल किया, हदीसों से हजरत साहबा ने क्या समझा। बस समझ लो इसको, मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, जिनको अल्लाह ने अपनी खुशियों का सनद दे दिया, रजी अल्लाह अल्लाह खुश हो गया उनसे। तो जिनके अमाल पर अल्लाह ने खुशियों का ऐलान कर दिया, आप उनकी अमल करते हो, उन लोगों की बात मानते हो जिनके लिए आयत नाजिल नहीं हुई रजी अल्लाह अनु मरजू अनु। बताओ कौन मुस्तनद अमल है जिस पर रजी अल्लाह साहबा के अमाल को पूछो उलमा, अकल में अगर जरा हो तो खुद समझ जाओगे कि फर्ज नमाज गायब और बीन बाजे बज रहे हैं और नाज शरीफ पढ़ी जा रही है, ये क्या है इसके, यही रिसालत का। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ के हदीस में पढ़ाया, इरशाद फरमाया कि दाढ़ियों को बढ़ाओ मोछों को कटाओ। आज देख लो उल्टा मामला है, मगर बाज लोग मोछे कटा चुके हैं, 25-50% नंबर ले चुके हैं, मगर साथ साथ 50% नीचे गायब है। जरा सा हिम्मत कर लो, यही काम आएगा, मुशिया न काम देगी गलवा न काम देगा, ये पूर्वी जबान है या आजमगढ़ बलिया गोरखपुर की जबान है कि मुठिया न काम देगी ये गलवा न काम देगा, गाल दाढ़ी बगैर तेरे कुछ भी न काम देगा। तो बल्कि उसने कहा दाढ़िया बगैर तेरे कोई भी न काम देगा। कयामत के दिन दोस्तों न जाने बोला ले किया किस घड़ी तू रह जाए तक की खड़ी की खड़ी। ये मत सोचो कि और बूढ़े होकर रख लेंगे दाढ़ी। डॉक्टर जावेद साहब यकीन मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल, अभी इसी हफ्ते में अचानक उनका हाथ फेल हो गया, नमाज की हालत में दौरा पड़ा, अस्पताल तक जा नहीं सके। न जाने बुला ले प्रिया किस घड़ी तू रजा है तक थी खड़ी थी कर। आह दर्द से कहता हूँ, वल्लाह आपकी भलाई के लिए कहता हूँ, आपकी इज्जत इकराम को सराखों पर रखते हुए कहता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल बना लो।
क्योंकि हदीस में है कि अगर किसी को रोना ना आए तो रोने वालों की शक्ल बना ले, इब्ने माजा शरीफ की हदीस है, तो मालूम हुआ शक्ल भी काम दे जाती है। कम से कम कयामत के दिन आप ये कह सकेंगे तेरे महबूब की यारब शबाहत लेके आया, हकीकत इसको तू कर दे, मैं सूरत लेके आया। चारों इमामों का इजमा है वाजिब है, मुंडाना भी हराम कतराना भी हराम, एक मुश्त तीनों तरफ से वाजिब है, कोई इसमें गुंजाइश नहीं। और अगर कब्र में जनाजा उतर गया तो ये गाल आपके कीड़े खा जाएंगे और फील्ड और खेती की जमीन भी छिन जाएगी, फिर कहाँ गल्ला बोओगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खेती सुन कहाँ लगाओगे। सिखों से सबक लो, ये जालिम सिख अपने गुरु नानक की मोहब्बत में दाढ़ी रखते हैं, एक सिख भी ऐसा नहीं मिलेगा जो दाढ़ी उड़ाए। आज उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हो गया है कि अपने पैगंबर की मोहब्बत में शक्ल नबी पाक की नहीं बना, और समझते हैं कि मेरी शक्ल खराब मालूम होगी। मैं कसम खाकर कहता हूं कि दाढ़ी रखने के बाद बताओ बताना कि हमें आप कैसी शक्ल मालूम होती। इफ्तिखार सैयद हैं यहां, अगर हो तो खड़े हो जाए और करीब आओ, रास्ता दो इनको, जल्दी जल्दी रास्ता दो इनको। अब आपके सामने मैं एक मॉडल पेश कर रहा हूं, ये दाढ़ी इनकी नहीं थी और ये ओलंपिक हॉकी के खिलाड़ी के कप्तान हैं, और अखबारात में आपने इनका नाम भी सुना होगा, सैयद इफ्तिखार सैयद। लेकिन मेरे कहने से, अल्लाह ने तौफीक दी मेरे कहने में कुछ नहीं, कसम खा सकता हूं कि मेरे कहने में कोई चीज नहीं जब तक अल्लाह का फजल न हो। इन्होंने हिम्मत करके रख ली। अब इन्हीं से पूछो कि चारों तरफ इनको इज्जत मिल रही या नहीं, इनकी शक्ल कैसी लग रही है भाई बताओ। और ये खुद मुझसे कहते हैं कि जिधर जाता हूँ वही मेरे शागिर्द खिलाड़ी, अब हमको सूफी साहब हाजी साहब मेरे लिए दुआ करना जरा, अब दुआ करा रहे हैं, और पहले कोई दुआ भी नहीं कराता था। इसलिए कहता हूँ कि बताओ इज्जत मिली, चेहरा भी कैसा प्यारा लग रहा है। अरे अगर नबी की शक्ल अगर हुजूर दाढ़ी रखने से शक्ल खराब लगती तो अल्लाह अपने पैगंबरों को हुक्म न देता कि दाढ़ी रखो। आप बताओ अपने प्यारों की शक्ल आप खराब करना चाहते हो, बोलो भाई। तो मालूम हुआ कि दाढ़ी अल्लाह के प्यारों की शक्ल है। बैठ जाओ, अब यहीं बैठ जाइए आप। तो आज इस मुबारक महीने में सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क मोहब्बत का हक मैं आप लोगों से निहायत दर्द दिल से फरियाद करता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आज के मुबारक दिन में इस मुबारक महीने में कुछ इरादे अच्छे कर लो। ऐ दाढ़ी ना रखने वालों हिम्मत से रख लो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, इंशाल्लाह बीवी भी आपसे दुआ कराएगी और सारा माशरा आपसे दुआ कराएगा, आपको इज्जत मिलेगी इंशाल्लाह और आखिरत में भी इज्जत मिलेगी। और पैजामा से टखने छुपाने वालों आज इरादा कर लो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुबारक पैदाइश के महीने में आज से हम अपना टखना नहीं छुपाएंगे पैजामे से या लुंगी से, इरादा करो भाई। नंबर तीन, आज से हम किसी तेजी को और तेजों को और हसीना को और हसीन को नहीं देखेंगे, अपनी नजर की हिफाजत करेंगे, क्योंकि बुखारी शरीफ की हदीस है जिनल आईन नजर, नजरबाजी जिना है आंखों का। ये बेवकूफ लोग कहते हैं कि लो न दो देख तो लो, सुभान अल्लाह, यानी क्या मतलब कि जब हम कुछ गुनाह नहीं करते तो देखना में क्या हर्ज है। देखने ही के लिए तो हुजूर फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो अल्फाज नबूवत भी पेश कर रहा हूँ कि जिनल आईन नजर, औरतों को देखना ये आंखों का जिना है। ऐसी उन लड़कों को जो बेरीश है शहवत के साथ, वहां शहवत की भी कैद है। तो जो लोग जिस गुनाह में मुब्तला है आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आज इरादा कर लो दिल में पक्का, जिसको जिस गुनाह की आदत हो, जो बड़ी बड़ी मोच रखते हैं सरवर आलम फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरी शफात उनको नसीब नहीं होगी, इबारत नबूवत भी अल्फाज नबूवत भी पेश करता हूँ, मंतवल अशार बहु जो लंबी मोच रखेगा जिसके नारे भी छुप जाए, लम्बी शफात ही मेरी शफात नहीं पाएगा, बताओ मोछों से फायदा मिलेगा या शफात नबी से फायदा मिलेगा। लिहाजा आज जितने हाजरीन हैं जिनकी दाढ़ियां हैं मगर एक मुश्त नहीं है, कटाना भी हराम है, गुनाह कबीरा से अल्लाह के वली नहीं हो सकते हो, जिनको खुश कर रहे हो वल्लाह ये कब्रों में कुछ काम नहीं देंगे, जिनको खुश करने के लिए अल्लाह ताला को और सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाखुश कर रहे हो क्या दब्बू बने हुए होगे, लोग क्या कहेंगे। अफसोस एक शख्स ने लिखा कि उम्मत को कि मुझे डर लगता है कि दाढ़ी रख लूंगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे, मुझे लोगों से डर लगता है। पर मैं तू भी तो लोग है, लुगाई तो नहीं है। अरे लोगों से तो लुगाई डरती है, जालिम तू तो तू भी लोग है, मर्दाना वार ऐलान कर दे कि मैं मर्द हूँ।
मेरे कब्र में कोई भी काम नहीं आएगा, कयामत के दिन कोई भी काम नहीं आएगा। लिहाजा दुनिया वालों सुन लो, कहाँ तक जब से बेताबी, कहाँ तक पासे बदनामी, कलेजा थाम लो यारो, यार हम दाढ़ी रखते हैं। कह दो अगर तुम मेरी दाढ़ी तुमको गढ़ती है तो आंखें बंद कर लो, मगर मुझे अपने अल्लाह को दिखाना है, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाना है। क्या मखलूक से डर है? मखलूक से जो डरता है अभी खुदा का आशिक नहीं है। अल्लाह ताला ने अपने आशिकों की तारीफ में फरमाया, ला यखाफून लौमत लाइक, जो मेरे आशिक हैं मखलूक से नहीं डरते, किसी की मलामत का खौफ नहीं करते। लिहाजा मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूं, इस मुबारक महीने में जिसको जिस गुनाह की आदत हो, बाजों का चेहरा तो बिल्कुल सूफियाना है लेकिन अमल उनका भी नाफरमानी मुब्तला है, दाढ़ी रख करके भी औरतों को ताक झांक कर रहे हैं और दाढ़ी रख करके भी लड़कों को बुरी नजर से देख रहे हैं, कुछ नहीं तो कम से कम दिल ही में गंदे ख्याल पका रहे हैं। पिछले पिछले गुनाहों का फीचर, शैतान टीचर उनको फीचर दिखा रहा है। इसलिए आज इरादा कर लो कि खुदा मैं 100% आपका बनना चाहता हूँ, और ये शेर, इस शेर का ऐलान कर दो, ये शेर जो मैं अभी पढ़ूंगा, नहीं हूँ किसी का तो क्यों हूँ किसी का, नहीं हूँ किसी का तो क्यों हूँ किसी का, उन्हीं का हुआ जा रहा हूँ। बताओ किसने पैदा किया है आपको, किसके बनने में फायदा है? अपने नफ्स के बनने में फायदा है, लोगों को खुश करने में फायदा है? अरे दोस्तों हमारा ईमान तो ऐसा होना चाहिए कि सारी दुनिया में अगर एक दाढ़ी वाला ना होता, सारी दुनिया में एक दाढ़ी वाला भी ना होता तो भी हम अपने अल्लाह को खुश करने के लिए दाढ़ी रखकर अपना झंडा ऊंचा कर देते। कोई कहता कि ये क्या किया, उनका कुछ नहीं, हमारी नजर आसमान पर है, ये मिट्टी के ढेलो, मिट्टी के ढेले की तरह तुम जमीन पर पड़े हुए हो। काश अल्लाह ताला हम सब की नजर को आसमान वाले पर कर दे। हिम्मत से काम लो कि हम किसी से नहीं जानते। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कितना प्यारा शेर है, सारा जहां खिलाफ हो परवाह न चाहिए, ये है अहले ईमान की शान, सारा जहां खिलाफ हो परवाह न चाहिए और पेशे नजर तो मर्जी जानाना चाहिए, फिर इस नजर से जांच कर तू करिए फैसला, क्या क्या तो करना चाहिए क्या क्या न चाहिए। अपने नफ्स को लोमड़ी बनाकर रखो, नफ्स कहे इस लड़के को देख लो, इस लड़की को देख लो, नफ्स वाह है लोमड़ी तू मेरा मुकाबला करती है, जानती नहीं है तू कि मैं शेर हूं, रूहानी शेर हूं, तेरे कल्ला का एक तमाचे से फाड़ दूंगा अगर तूने दोबारा तकाजा किया तो। पेशाब पैखाने की प्लेट पर चांदी का वरक दिखा रही है लोमड़ी तुम उसको, अगर पैखाने के ऊपर चांदी का वरक लगा दिया जाए और तो क्या आप उसको खाएंगे? तो ये हसीनों के इश्कबाजी का अंजाम क्या होगा, पेशाब पैखाने के मुकाम पर ले जाएगा। मगर अफसोस है किस्मत वालों को तौफीक तौबा होती है। फिर मैं मस्जिद में कहता हूँ वल्लाह जिस पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, शान रहमत की अलामत ये है क्या कि फिर नफ्स अम्मारा के सर से निकल जाता है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, इसी वक्त आप दुआ कर लो, मुबारक जुमे का दिन है, अल्लाहुम्मरहमनी बितरकिल मासी, सब लोग कहो अल्लाहुम्मरहमनी बितरकिल मासी, अल्लाह हम पर रहम फरमा दे और अपनी नाफरमानी के अजाब से नजात अता हो, अजाब अल्लाहुम्मक्शिफ अन्नल अजाब इन्ना मोमिनून, अल्लाहुम्मरहमनी बितरकिल मासी, ए अल्लाह रहमत वो नाजिल कर दे कि जिससे मैं आपकी नाफरमानी गुनाह छोड़ दूं, वो रहमत दे दे जिससे नफ्स अम्मारा के पंजे से निकल जाऊं, वला तुश्करी बिमासियतिक, और मुझे अपनी नाफरमानी से शकी और बदबख्त न बना। दोस्तों गुनाहों से बदबख्त इंसान होता है और नेकियों से अल्लाह का प्यारा और महबूब होता है। तो गुनाह थोड़ी देर का मजा है, लज्जत आरजी मिली इज्जत दायनी गई, जरा सी देर की लज्जत थोड़ी देर, हमेशा के लिए अजाब, हर वक्त परेशान, तौबा भी कर लेगा मगर तकाजा मासियत की शिद्दत से अजाब में रहेगा। सुन लो ये बात, बहुत गुर की बात बताता हूँ, जिन लोगों ने गुनाह को तौबा के सहारे पर कर लिया, तौबा तो कर लिया और अगरचे तौबा भी उनके तौफीक में नहीं है, किसी की दुआ काम आ गई, किसी की दुआ काम आ गई, उसकी कोई नेकी काम आ गई, लेकिन तौफीक तौबा के बाद भी तकाजाए गुनाह की शिद्दत के अजाब में सारी जिंदगी रहेगा वो, ये सुन लो ये अख्तर का ऐलान। आह मेरे शेख साहब अब्दुल्गनी रहमतुल्लाह अलैह वजू करते वक्त में वजू रोक कर, इंडिया में फूलपुर आजमगढ़ जिले में वजू रोक कर फरमाया हकीम अख्तर, जिसने कभी भी गुनाह किया है तौबा कर लेगा लेकिन सारी उम्र उसके वसवसे से नजात नहीं पाएगा। इसलिए दोस्तों कोशिश करो कि गुनाह होने ही ना पाए ताकि तकाजाए मासियत में शिद्दत ना हो, आफियत से रहो।
नंबर दो ये अर्ज करना था कि हकीर उल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिक्र में मजा आए ना आए, जिक्र बे लज्जत भी आपको वली अल्लाह बना देगा और साहिब इज्जत बना देगा। इसकी तीन मिसालें, ये तो हकीर उम्मत का इरशाद है। मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कुतुबुल आलम कि तशवीश और ख्यालात और वसाविस के साथ भी जिक्र करो, ये भी नफा से कम नहीं, कामयाब हो जाएगा। अब इसकी तीन मिसालें। नंबर एक, मक्के शरीफ में दुकानदार 10 हाजियों में घिरा होता है और समोसा और वो जो है उसका वो डबल रोटी खाता रहता है, उसको इतनी फुर्सत नहीं है कि सुकून से खाए। 10 ग्राहकों में घिरा हुआ है, किसी को रुमाल पकड़ा रहा है, किसी को तस्बीह, किसी को मुसल्ला, और खाया जा रहा है, लेकिन उस खाने से उसकी सेहत कायम होती या नहीं? वरना हज के सीजन में मौसम हज में 4 महीना ना खाए तो रहेगा जिंदा? तो मालूम है जिंदगी ईमानी के लिए भी जिक्र हालत तशवीश में भी मुफीद, ईमानी हयात के लिए हालत तशवीश, हालत वसाविस, हालत ख्यालात के हुजूम ख्यालात में भी आप जिक्र जारी रखो, आपके हयात ईमानी की जमानत की हालत के लिए काफी। एक मिसाल हो गई ना। नंबर दो मिसाल, 100 रुपया का एक खुराक खमीरा बनवाया, मोती का, असली मोती, 100 रुपये की एक चमची, आधी चमची, और आपने मुंह में जब डाला तो अचानक किसी ने खबर कर दिया, कोई तशवीश और ख्यालात में आ गए आप, लेकिन जब हलक से वो उतर गया खमीरा तो अपना काम मोती दिखा जाएगा या नहीं? या उस वक्त दिल हाजिर नहीं था आपका, कुछ जरूरी काम पेश आ गया, अचानक आप उसको सोचने लगे, लेकिन दिल हाजिर नहीं, दिल में तशवीश वसाविस और ख्यालात, इसके बावजूद खमीरा काम दिखाएगा या नहीं? जब दिल में उतर जाएगा तो अल्लाह का नाम इतना बड़ा है, जब अल्लाह जब मोती और बादाम और सूप असर कर देता है तो अल्लाह ताला सबसे बड़े मालिक हैं, उनका नाम निकल जाए बस वो काम दिखा जाता है। हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को एक शख्स ने लिखा कि आपका बताया हुआ जिक्र कर रहा हूँ लेकिन कोई नफा नहीं मालूम होता। हजरत ने लिखा, जालिम ये कम नफा है कि इतने बड़े मौला का तू नाम लेता है? आह कैसी बात। दो मिसाल हो गई ना, दो मिसाल। तीसरी मिसाल, अंधेरा है, आपको ख्यालात का हुजूम है, वसाविस का हुजूम है, दिल में भी परेशानी है, लेकिन आप ट्यूब लाइट तक पहुंचे और टार्च से उसका बटन देख लिया और बटन में उंगली दबा दी। जब आपने उंगली दबाई ट्यूब लाइट की बटन पर, स्विच पर, तो आपकी जितनी सोच थी, तमाम सोच और फिक्र और परेशानी वसाविस के बावजूद ट्यूबलाइट जलेगी या नहीं? बस हजारों फिक्रें हों, हजारों वसाविस हों, लेकिन जब अल्लाह का नाम मुंह से निकला तो समझ लो स्विच दब गई, अल्लाह का नूर दिल में पैदा हो जाएगा, अल्लाह के नूर की ट्यूबलाइट आपके कल में रोशन हो जाएगी। तीन मिसालें दी, देख लेना किताबों में कहां पाओगे, कहां पाओगे सदरा बाजगा में निहां जो गम है दिल के हाशिया में, कहां पाओगे सदरा बाजगा में, ये फलसफे की किताबें हैं, निहां जो गम है दिल के हाशिया में। अरे यारो, जो खालिक हो शकर का, जो शकर पैदा करता है जमाल शम्स का, नूर कमर का, जो सूरज और चांद को रोशनी देता है, न पूछो न पूछ फिर लज्जत जिक्र खुदा को, खुदा की हलावत नाम पाके किबरिया की, अल्लाह के नाम की मिठास को क्या कहते। मुबारक वो बंदे हैं जो खुदा की याद में रो रहे हैं, मुबारक वो लोग हैं जिनके दिल खुदा के इश्क में तड़प रहे हैं, बाकी सारी दुनिया कुछ काबिले मुबारकबादी नहीं है। मिट्टी के, इनकी मिट्टी मिट्टी के लिए रो रही है, मिट्टी के खिलौनों के लिए, मिट्टी की रंगीनियों के लिए, मिट्टी के दिसंबरों के लिए रो रहे हैं, जिनके आंसुओं की गधे के पेशाब के बराबर भी कीमत नहीं। अगर वो हराम मोहब्बत हराम है, बताओ हराम मोहब्बत में रोना ये कबूल है अल्लाह के यहाँ? उसके आंसुओं की क्या कीमत है? सारी गजल उसकी हजलियात हैं, उसके गजलियात क्या हैं? हजलियात। अब तीसरी नसीहत याद कर रहा हूं, तरतीब बार समझ लो। तीसरी नसीहत, पहली नसीहत क्या थी? जो काम करो सुन्नत के मुताबिक सहाबा के अमल मालूम कर लो उलमा से। नंबर दो, आज इस मुबारक महीने में कोई अच्छी अच्छी नीयतें कर लो और गुनाह छोड़ने के इरादे कर लो। नंबर तीन, वसाविस की हालत में भी अल्लाह की याद को मत छोड़ो, ये काम दिखा जाएगा अपना। वसाविस की हालत में ट्यूबलाइट जल जाती है, अल्लाह के नूर की ट्यूबलाइट आपके दिलों में जल जाएगी।
वली अल्लाह हो जाओगे इंशाल्लाह। नंबर चार ये है कि जिसकी जो मुसन्निफ और जो मुकर्रर जिसका अकीदा सही न हो और उलमाए दीन ने उसको खतरनाक करार दिया हो, बेतरबियत नाअहल करार दिया हो, ऐसे शख्स की तकरीर में अगर कुरान और हदीस की आयतें और हदीस भी होगी तो भी उसकी तकरीर में उसके दिल के अंधेरे और दिल की मनहूसियत शामिल हाल होगी, इसलिए उसकी तकरीर मत सुनो। उसकी तकरीर में अगर से कुरान कहेगा काल अल्लाह और काल रसूलुल्लाह कहेगा, लेकिन उसके कल्ब में जो बातिल अकीदे हैं, जो सहाबा का बुग्ज भरा हो या कोई बदअकीदगी उसके दिल में हो और उलमा उसके किताबों को मना करते हो तकरीरों को, तो याद रखो उसकी तकरीरों के सुनने से उसके हदीस कुरान के साथ साथ उसके दिल के अंधेरे, जैसे हलवा खा रहा हो मगर चमचे में पैखाना लगा हो, तो हलवा तो अच्छा है ना, कुरान पाक और हदीस पाक का क्या कहना है, लेकिन जालिम जिस जबान से निकाल रहा है वो दिल के अंदर जो पैखाने की नजासत है बदअकीदगी हुई। इसलिए जो मुकर्रर और जो मुसन्निफ